दर्शकों, जय भीम नव उद्धाय। मेरा गांव भारत का संविधान, करेंगे आदर्श गांव का निर्माण। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आए हैं टेम्बा, इस गांव के त्रिरत्न बुद्ध विहार में। और ये जो गांव है वो आता है अमरावती जिला में। हमारे साथ में इस वक्त इस विहार के जो त्रिरत्न बुद्ध विहार के उपासक उपासिका, खास तौर पे लॉर्ड बुद्ध टीवी पे जो कार्यक्रम आता है, जो प्रोग्राम आता है, मेरा गांव भारत का संविधान, करेंगे आदर्श गांव का निर्माण। इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ के गांव के जो लोग हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से इस विहार में एकत्रित हुए। और साथ ही साथ इस विहार की जो स्थापना है वो 2008 में की गई थी। तब से लेकर आज तक इस विहार में धम्म का जो कारवा है वो आगे बढ़ रहा है। और साथ ही साथ धम्म के प्रसार और प्रचार के लिए यहाँ के जो उपासक है वो खास तौर पर हमेशा ही तत्पर रहते हैं। इन लोगों से हम कुछ सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं बुद्ध वंदना। आराम सम्मा संबुद्धो भगवान बुद्धं भगवंतं अभिवादे स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्वामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो संगं नमामि। ओकास वंदामि बन्ते द्वारतेन मया कत सब प्राद खमतु मे बन्ते द्वितीयम्पि ओकास अम्बन्ते दरतेन मया कत सब अपराध खमतु मे वन्दे ततियम्पि ओकास वन्दामि वन्दे द्वारतेन मया कत सब अपराध खमतु मे वन्दे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संगं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संगं शरणं गच्छामि। पानातिपाता विरमणीसिका पदं समादयामि, आदिर्नदाना विरमणीसिका पदं समादयामि,
कामे सुमेच्छाचारा वीरमणी सिकापद समाधियामि मुसावादा वीरमणी सिकापदं समाधियामि सूरामेरयमज पमादठाना वीरमणि सिकापदं समाधियामि साधु 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 इमाय धम्मानुधम्म पटिपतिया बुद्धं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्म पटिपतिया धम्मं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्म पटिपतिया संगं पूजेमि आद्याय इमाय पटिपतिया जाति जरा मरणमापरिमुच्यसामि इमे नापूयकम्मेन मामे बाल समागमो सात समागमो होतु यावनि बानपतिया देव वसातु कालेन सा संपत्ति हेतु च पीतो भवतु लोकाच राजा भवतु धम्मिको इमाय बुद्ध पूजाए काताय शुद्ध चेतसा चिरन्तितातु सद्धम्मो लोकवन्तु सुखी सदा इमाय धम्म पूजाए काताय शुद्ध चेतसा चिरन्तितातु सद्धम्मो लोकवन्तु सुखी सदा। बुद्ध वंदना के साथ ही हमारे साथ में त्रिरत्न बुद्ध विहार के भंते जी हैं, जिनसे हम कुछ सवाल करेंगे। वंदन भंते जी। मंगल। भंते जी मुझे बताएं, ये जो त्रिरत्न बुद्ध विहार है, इसकी जो स्थापना है वो 2007 में की गई थी। हाँ। आप कब से इस विहार में रह रहे हो? अब तो मैं 4-5 बरस हो गया, तो यहाँ मैं अब जो ग्रंथ चालू रहता तो 4-5 बरस में आया, तो ये लोग बहुत श्रद्धावान है, सब एक मिल के काम करते हैं और हमेशा यहाँ ग्रंथ चालू ही रहता और शाम और सवेरे वंदना भी चालू रहती है। अच्छा। भंते जी 5 सालों में कितना परिवर्तन हो पाया है इस गांव के उपासक उपासिकाओं में? तो बहुत हो गया। वो अपने जो पूर्णिमा आती है, वो पूर्णिमा वो अष्टशील लेते हैं सब लोग और सब एकत्र रह के कोई भी काम एकजुटी से ही करती है। आगे में इस विहार से किस तरह से प्लानिंग रहेंगे कि धम्म का प्रसार और प्रचार होना चाहिए? और तो ये इस गांव में जो प्रचार हुआ धम्म का, तो आजू बाजू में इनके ही कारण हो गया। ये जो लोग टेमा, ये जो गांव है, ये लोग हमेशा के लिए वंदना लेते हैं, ग्रंथ बिठाते हैं, भंते जी को आमंत्रित करते हैं, ऐसा यहाँ का ही संदेश। ये जो गाँव आजू बाजू के गाँव है, ये गाँव का आदर्श उन्होंने लिया, वो वहाँ भी चालू है। इस वर्ष जो वर्षवास की शुरुआत हो चुकी है। हाँ। किस तरह से धम्म का पठन किया जा रहा है? तो आषाढ़ी पूर्णिमा से जो हमारा जो ग्रंथ चालू होगा, ये जो बाबा साहेब का जो महासूर्य है, तो वो ग्रंथ वाचन यहाँ हो रहा है और जो बाबा साहेब ने अपने लिए जो कुछ किया है, जो अपने को अस्पृश्यता थी, जो ब्राह्मण वर्ग था अपने को तो बहुत ही शूद्र समझते थे, कोई पानी पीने का अधिकार नहीं था, शिक्षण का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था और थूकने का भी डर था। तो उसी वक़्त बाबा साहेब ने अपने को स्वाभिमान के लिए जीवन जगने का उन्होंने बताया। यहाँ पे भंते जी ने काफ़ी खूबसूरत तरीके से
हमारे सवाल का जवाब दिया है, और साथ ही साथ हमारा जीवन 56 के पहले किस तरह से था इस बारे में भी उन्होंने खास तौर पर रोशनी डाली। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें किस दिशा में लेके बाबा साहब हमें गए इस बारे में भी उन्होंने खास तौर पर हमें दिशा दिखाई। अगर बाबा साहब की बात हम करते हैं तो उस वक्त बाबा साहब को स्कूल में भी बिठाया नहीं जाता था, यहाँ तक कि उन्हें पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। ये जो अधिकार है आज हम जिस तरह से जीवन हमारा यापन कर रहे हैं उसकी सभी जो बदौलत है वो हमारे बाबा साहब की है। बाबा साहब ने हमें 19-20 मार्च 1927 को महाड़ के चौदार तालाब का सत्याग्रह करते आज हम जहाँ भी जा सकते आज हम हमारे हक का पानी पी सकते थे। लेकिन उस वक्त की अगर बात करें तो जानवरों को पानी पीने का अधिकार था लेकिन मनुष्य को नहीं था। आज हमारा जो धम्म है वो मानवतावाद पर है, अंधश्रद्धा पर नहीं है। आज जिस तरह से धम्म की प्रगति हो रही है सही मायने में हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा जो बौद्ध समाज है, हमारा जो बहुजन समाज है, उनमें काफ़ी हद तक परिवर्तन हो रहा है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम कुछ सवाल करेंगे। सर, इस विहार के बारे में क्या कहना चाहते हो? इस विहार की स्थापना कब हुई और तब से लेकर आज तक किस तरह से काम कर रहे हैं? मैं 2007 से जब ये विहार का बांधकाम पूरा हो गया था वो 2008 से यहाँ पर पहले हमारे भिक्षु सामनेर भनते रोहन भनते थे, वो पहले साल में ये गांव में आए थे। उस साल से अब तक हमारे गांव में ये ग्रंथ का पठन हर दिन सामूहिक वंदना सब आदर्श महामानव की पुण्यतिथि जयंती सब लोग एकजुट होकर अपने विहार में ये वंदना करने को आते। जो जो कुछ ये कार्यक्रम रहते सब गांव के सब बौद्ध उपासक उपासिका बालक बालिका सब इकट्ठे होकर हम कौन सा भी कार्यक्रम यहाँ पर अच्छे तरह से हम करते आते हैं। दादा, संविधान के बारे में क्या कहना चाहते हो आप? संविधान के बारे में मैं बाबा साहब ने जो दो वर्ष अकरा महीने सत्रह दिवस त्यांनी जे संविधान बाबासाहेबांनी लिहून दिलं आणि 26 जानेवारी 1949ला सर्व जाती धर्मांना समानतेचा हक्क देऊन आणि त्यांनी बाबासाहेबांना जे गांभीर्य म्हणजे बाबासाहेबांनी आपल्याला संविधान मुक्त केलं, ज्या लोकांना अन्याय अत्याचार होत होते त्या सव्वीस जानेवारी ज्याला प्रजासत्ताक दिन म्हटला जाते 26 जानेवारी 1949ला या देशाला स्वतंत्र दिलं आणि सर्व लोक हे स्वतंत्र झाले कारण बाबासाहेबांच्या संविधानामुळे आपण बोलू शकत आहे, सर्व न्याय अन्याय अत्याचार आपण झगडू शकत आहे। बाबासाहेबांची एक मोठी आपल्यावर उपकाराची आहे आणि जे आमच्या व्याजे विहारामध्ये दररोज वंदना घेतली जाते आणि जेव्हापासून या विहारामध्ये सुरुवात झाली आहे ते आमचे आदर्श सुनील भाऊ ताळे आम्ही यांच्या मार्गदर्शनामध्ये यांनी जो इथं आम्ही ज्या गावातील लोक आहो त्यांनी बाबासाहेबांचे विचार आणि तथागत भगवान बुद्धाचे विचार त्यांनी या आमच्या गावामध्ये रुजवले आणि त्यांनी आम्हाला सगळ्यांना एकत्र केलं आणि त्यांच्या मागोमाग रवरव आम्ही सर्वजण सगळं मैत्रीपूर्वक तथा भगवान बुद्धाच्या ठिकाणी येतो आणि कोणत्याही गावातील कार्यक्रम हा सामूहिक पद्धतीने आम्ही निर्माण करतो। हे सर्व काही श्रेय आमचे सुनीलभाऊ तायळे आदर्श आणि संजीवभाऊ चोपळे आणि मी प्रकाश चोपळे, इतके बोलून मी इथेच थांबतो। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। इस विहार में जो आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर 3 महीने का जो वर्षवास है उस वर्षवास में इस विहार में जो धम्म जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है महासूर्य, जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है और उस माध्यम से जो भंते जी है यहाँ पे जो निवास कर रहे आदरणीय भंते जी कोंडान्य जो इस महासूर्य जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के बारे में सभी उपासक तथा उपासिकाओं को मार्गदर्शन कर रहे। सवालों का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा लेकिन यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम मेरा गांव भारत का संविधान करेंगे आदर्श गांव का निर्माण। इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी हम फिलहाल में टेम्बा इस गांव के त्रिरत्न बुद्ध विहार में हैं और इस विहार के बारे में यहाँ के जो लोग हैं उपासक है उन्होंने काफ़ी खूबसूरत तरीके से हमारे सवालों के जवाब दिए। अभी हमारे साथ में सुनील भाऊ है जिनसे हम कुछ सवाल करेंगे। सुनील भाऊ, मुझे बताइए संविधान के बारे में जन जागृति होनी चाहिए उसके लिए किस तरह से कार्य कर रहे हैं आप? अब हम हमारे समाज मंदिर में
संविधान दिन बनाते हैं ताकि सभी जो लोग हैं सब गांव के लोग उसे पता चले संविधान अपने हित के लिए कितना बढ़िया योगदान देता है। और संविधान दिन बनाने के पहले हम स्कूल में भी जाते हैं, वहाँ भी अपना जो योगदान है बाबा साहब का संविधान के बारे में, क्योंकि 1946 ये जो साल है ये संविधान के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इंग्लैंड में जो हुजूर पक्ष था वहाँ परिवर्तन होके लेबर पार्टी आई, उसका जो पंतप्रधान था एटली, उन्होंने बताया कि भारत देश में आपको संविधान लिखना है तो हमें लिखकर बताओ। उसके लिए त्रिमंत्री योजना बनाई और त्रिमंत्री योजना में जो कोई शर्त या अटी लिखा था कि कोई प्रांत से चुनकर आना पड़ेगा और बाद में वो संविधान सभा पर जा सकता है, इसलिए बाबा साहब ने पश्चिम बंगाल से वो चुनकर आए। बाद में 9 दिसंबर 1946 में प्रथम जो संविधान मसौदा समिति की पहली बैठक हुई, वो बैठक से वो पहला दिन शुरुआत हुआ और उस समिति में 7 सदस्य थे मसौदा समिति, और उस मसौदा समिति के अध्यक्ष खुद बाबा साहब थे। पहले अपने लॉर्ड बुद्धा प्रतिनिधि ने बताया है कि कोई छोड़कर चले गए, कोई बीमार थे, कोई बाहर गए थे, ये सब जिम्मेदारी बाबा साहब आई तो बाबा साहब ने ये 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 को अपना यह संविधान पूरा लिखकर उसको 2 साल 11 महीने 17 दिवस हो गए और बाबा साहब ने इसका औपचारिक उद्घाटन के लिए 26 जनवरी 1950 इस देश को बहाल किया और सभी को समानता के रास्ते पर लाया। उसमें स्वतंत्रता, समता, बंधुभाव और करुणा का भाव भी लिखा है जो भगवान बुद्ध ने 2.5 साल पहले इस देश को दिया था। ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने पूरा जो तत्वज्ञान है भगवान बुद्ध का वो संविधान में डाला है, इसलिए सभी को समानता मिल रही है, स्वाभिमान मिल रहा है, जो नीचे दबे हुए थे वो ऊपर आ गए, इसलिए हम बाबा साहब के और संपूर्ण देश बाबा साहब का ऋणी है। मैं उसके लिए बाबा साहब को, भगवान बुद्ध को अपना त्रिवार नमन करता हूँ। और मैंने यहाँ पे 2008 से धम्म ग्रंथ का पठन चालू किया, और कोई भी अपने यहाँ भिक्षु होना चाहिए, उसे वो अनपढ़ हो या शिक्षित हो, ये भगवान बुद्ध का रूप होता है, इसलिए हमने 2008 से ये धम्म पठन चालू किया है। और लगातार हमने 2017 तक मैंने ये ग्रंथ पठन किया है, इस साल में पहली बार ये महिला पठन कर रही है और सभी लोग हम लेकर चलते हैं, और ऐसा हमारा कारवा है। हम लॉर्ड बुद्ध टीवी के आभारी है, यहाँ टिम्बा में आकर हमें जानकारी दी है, संविधान के बारे में बताया है। हम सभी टीवी चैनल के धन्यवाद देते हैं, गांव के भी धन्यवाद, गांव को लोगों को धन्यवाद देते हैं यहाँ आए, और भंती जी को भी नमन करता हूँ। यहाँ पे सुनील भाऊ ने काफ़ी खूबसूरत तरीके से हमें जानकारी दी है और साथ ही साथ संविधान लिखने के लिए बाबा साहब को 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। वो जो संविधान है वो बाबा साहब ने उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे तथा प्रधानमंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा पंडित जवाहर नेहरू, इनके हाथों में 26 नवंबर 1949 को सौंपा था, जिसे अमल में लाया गया 26 जनवरी 1950 से आज तक उस संविधान की बदौलत हमारा कानून चल रहा है, हमारा देश भी चल रहा है, जिसे लिखने के लिए बाबा साहब को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, काफ़ी परिस्थिति का सामना करना पड़ा, और बाबा साहब ने संविधान बनाने के लिए और लिखने के लिए जो पीड़ा उठाई है वो काफ़ी काबिले तारीफ है। संविधान के बारे में हम और भी कुछ महिलाओं से जानेंगे, लेकिन हमारे साथ में इस वक्त कल्पना ताई है जो इस विहार में धम्म ग्रंथ पठन करती है। ताई, किस तरह से लोगों में आप आज धम्म ग्रंथ जो है ग्रंथ है उसका पठन कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बाबा साहब का जो मैं पठन करती हूँ तो बहुत मुझे अच्छा लगता है, रोना भी आता है,
मी वाचनच करते पण भंतीजी समजावून सांगतात. भंतीजी एवढे चांगले समजावून सांगतात का खूपच. तर जेव्हा जेव्हा बाबासाहेबावर अत्याचार झाला, रमाबाईवर अत्याचार झाला, तेव्हा मला रडपण येते. बस एवढेच बोलू शकतात. कल्पना ताई शब्दों के माध्यम से काफ़ी भावुक हो चुकी थी कि किस तरह से बाबा साहब ने संघर्ष करते हुए हमें जो जीवन दिया है उस जीवन के बारे में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि आज हम जिस तरह से जी रहे वो सभी जो देन है हमारे बाबा साहब की है. दादा आप संविधान के बारे में क्या कहना चाहते हो? संविधान बाबा साहब ने देश को दिया है, सबको दिया अधिकार. समझो चाहे ओबीसी समाज का रहो चाहे ब्राह्मण समाज का हो, एक अधिकार दिया बाबा साहब ने. बाबा साहब ने 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन ये घटना लिखी है और बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया है. और बाबा साहब ने अपने समाज के लिए सब कुछ किया है, समझो खो दिया है. और बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाकर हमको ऊंचा लेके गए आसमान तक. जब तक बाबा साहब है तब जब तक सूरज और चांद है तब तक बाबा साहब रहेंगे. ये मेरा निवेदन. जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा. और संविधान की बदौलत ही आज हम इस वक्त इस त्रिरत्न बुद्ध विहार में जो टेंभा इस गांव में आता है इस वक्त हम इस जगह पे संविधान की बदौलत ही खड़े हैं. हमारे साथ में एक युवती है जो गीत गाने वाली है. क्या नाम है आपका? तेजस्विनी चोपड़े. तेजस्विनी ताई कौन सा गीत गाने वाले हो आप? धनी मांस मौल्यवान. धनी मांस मौल्यवान पिवड़ा सोना हो धनी माझ मौल्यवान पिवड्या सोन्या होऊन कशाला हवे ग मजला सोन्याचं दागिना. धनी माझ मौल्यवान भरदार बांधा रंग गोरा गोरा पान सूट बूट टाय दिसे तयाला शोभून भरदार बांधा रंग गोरा गोरा पान सूट बूट टाय दिसे तयाला शोभून गोरा लोका संग बोले इंग्रजी ठासून गोरा लोका संग बोले इंग्रजी ठासून कशाला हवे ग मजला सोन्याचं दागिना. धनी माझ मौल्यवान फुला संग यावाजसा मातीला सुगंध तसा लाभला ग बाई भीमरावांचा संग फुला संग यावाजसा मातीला सुगंध तसा लाभला ग बाई भीमरावांचा संग थोरवी भीमाची रमा सांगे समजावून थोरवी भीमाची रमा सांगे समजावून कशाला हवे ग मजला सोन्याचं दागिना. तेजस्वी ताईने यहाँ पे खूबसूरत तरीके से गीत गाया है. ताई आज आप कौन सा गीत गाने वाले हो? हा धम्म हो दुःखावरी दवा मी सांगतो म्हणून नवे तुम्ही स्वतानुभवा मी सांगतो म्हणून नवे तुम्ही स्वतानुभवा दुःखा जीवन प्र
पे गीतों के माध्यम से भी हमें धर्म के बारे में अग्रसर कर रहे हैं और साथ ही साथ संविधान के बारे में हमने इन उपासक तथा उपासिकाओं से जानकारी ली है और साथ ही साथ वो किस तरह से 26 नवंबर का जो दिन है वो किस तरह से यहाँ के जो उपासक है वो मनाते हैं और साथ ही साथ ये जो त्रिरत्न बुद्ध विहार है ये एक मार्गदर्शन का केंद्र है और यहाँ के जो आजू बाजू का जो परिसर है इस विहार से काफ़ी हद तक प्रेरित हो रहा है। अब बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट की ओर। अब बढ़ते हमारे अगले पड़ाव की ओर जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया है उस संविधान को हमने छिपा के रखा है, जिस ढूंढने के लिए हमारे साथ में जो छात्र है, एक लड़के का नाम है सम्यक तथा दूसरे लड़के का नाम है अर्पित। अब तो बेटा आपको ढूंढना है, जो हमें बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उस संविधान को आपको ढूंढना है। आपको आपका टाइम स्टार्ट हुआ है। आप सभी से निवेदन है कि बच्चों का हौसला बना लेके ताड़ियां बजाते रहे। बच्चों आपका समय स्टार्ट हुआ है, आपको ढूंढना है संविधान, इस ग्रंथ को। चलो काफ़ी खूबसूरत प्रयास कर रहे हैं अर्पित तथा सम्यक, तालियां बजाने में कंजूसी ना करें। बढ़िया, सम्यक तथा अर्पित ने काफ़ी खूबसूरत तरीके से कोशिश करते हुए जो संविधान जो लिखा छिपा के रखा था उसे उस दोनों बच्चों ने ढूंढ के निकाला। अर्पित और सम्यक कैसा लग रहा है आप दोनों को? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। संविधान किसने लिखा है? डॉक्टर रोजा अम्बेडकर ने। कौन सी कक्षा में हो आप? थर्ड स्टैंडर्ड में। और आप बेटा? सिक्स्थ स्टैंडर्ड। क्या नाम है आपका? जय। सम्यक। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पढ़ाव की ओर जहाँ पर बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया है उस संविधान की उद्देशिका का हम पठन करेंगे। तो आप सभी तैयार हैं? आप सभी तैयार हैं? हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हमारी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतदा द्वारे इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय भीम, जय भीम, जय संविधान। दर्शकों ये था टेम्बा इस गांव का त्रिरत्न बुद्ध विहार जहां पर यहां के जो उपासक तथा उपासिका है उन्होंने खास तौर पर हमें धम्म के बारे में जानकारी दी है और साथ ही साथ संविधान के बारे में इस गांव के लोग कितने अग्रसर है, कितने अवेयरनेस है, इस बारे में भी सुनील भाऊ ने हमें खास तौर पर रोशनी डाली है। ये जो कार्यक्रम है अमरावती ज़िले में हो रहे हैं और इस अमरावती ज़िले के जो लॉर्ड बुद्ध टीवी के जो प्रतिनिधि है राजेंद्र वटाने सर, उनके थ्रू ये कार्यक्रम किया जा रहा है और ख़ास तौर पर इस विहार में यहाँ के जो उपासक तथा उपासिका है यहाँ पे जो धम्म पठन किया जाता है, जो धम्म का पठन किया जाता है उस बारे में भी यहाँ के जो उपासक है वो काफ़ी हद तक अग्रसर हमें दिखाई देते। दर्शकों आपको भी अगर लॉर्ड बुद्ध टीवी के माध्यम से आपका विहार, आपके स्कूल तथा आपकी विहार अगर दिखाना चाहते हो तो हमें ज़रूर संपर्क कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन नागेश मून के साथ में मैं ज्योति हाड़के, लॉर्ड बुद्धा टीवी के लिए जय भीम।